सचमुच में बक्सर मैं कैसे आया, क्यों आया, मुझे तो पता नहीं। केदारनाथ की घटना के बाद, 2013 की त्रासदी के बाद, और जब अचानक मुझे पार्टी ने बक्सर से चुनाव लड़ने की बात कही, जो बक्सर से संगठन के दृष्टिकोण से भी, और जब मैं मंत्रित्व काल में था तो काफ़ी अवगत रहा करता था, और बक्सर के प्रति हमारी शुरू से श्रद्धा रहती थी। जेल में भी जब इमरजेंसी में मैं 6-7 महीने से भी ज़्यादा समय जेल में बिताया था, तो वहाँ के उस काली कोठरी को रात को, और मैंने कुछ अध्ययन वगैरह से कुछ बक्सर के बारे में मुझे कुछ चमत्कारिक जो विशेषता है उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी थी। लेकिन जब से मैं बक्सर का जनप्रतिनिधि के रूप में मुझे भेजा गया, और मुझे लगा कि मैं बक्सर कुछ केवल जनप्रतिनिधि का काम जो है वो तो करूँगा, लेकिन मुझे एक प्रभु ने भेजा है, मेरी कोई मंशा नहीं थी। ये मेरी प्राण रक्षा मेरा होने के बाद, केदारनाथ की त्रासदी के बाद, और कुछ काम जो बचा हुआ था प्रभु को मुझसे कराना है, और शायद वह काम यही है कि बक्सर भेज करके, जहाँ जनसेवक का मुझे काम पार्टी के द्वारा सौंपी गई, वही ईश्वर की कृपा है कि मुझे कुछ आध्यात्मिक, जो भगवान राम पराक्रमी राम के रूप में, और जिसको कहते हैं ब्रह्मांड नायक के रूप में उनका परिचय अगर कहीं हुआ तो वो भूमि बक्सर का है। बक्सर तीर्थ का केंद्र भी है। बक्सर का नाम पुराणों में सिद्धाश्रम की भूमि कही जाती थी, और वो सिद्धाश्रम जहाँ कहते हैं कि 82,000 ऋषि मुनि तपस्या करते थे उनके वहाँ जंगलों में, 84,000 ऋषि मुनि जंगलों में तपस्या करते थे। बक्सर की यह भूमि बहुत ही पवित्र भूमि रही है। बाद में सिद्धाश्रम के सतयुग के बाद, बाद के दिनों में जो एक ऋषि वेदशिरा ऋषि जो है, वेदशिरा ऋषि ने इसका नाम व्याघ्रसर के रूप में स्थापित किया, और वही व्याघ्रसर फिर मुगलों के शासनकाल वगैरह में वो बक्सर बक्सर कहलाने लगा। तो ये ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बक्सर का है। जहाँ तक त्रेता में भगवान राम साक्षात्कार होता है उनका, हमारे जो विश्वामित्र मुनि से, तो जहाँ तक मैं बक्सर के प्राचीन जो इतिहास रहा है उसके बारे में मैंने थोड़ा बहुत कहा है। अब रही बात कि बक्सर को आखिर भगवान राम को यहाँ क्यों लाया गया, तो आप सब जानते हैं सब लोग कि गुरु वशिष्ठ के आश्रम में वो पलते फूलते थे भगवान राम लक्ष्मण, और जब विश्वामित्र जाते हैं दशरथ जी के पास तो पहले दशरथ जी ना कह देते हैं, लेकिन जब काफ़ी विश्वामित्र जी सारी बातों को याद दिलाते हैं राजा दशरथ जी को कि आपके पुत्र किसने कैसे पैदा हुआ है, और ये अग्नि से जो साक्षात ब्रह्मा का ये आपको फल, उसी के कारण पुत्र की प्राप्ति हुई है, तो ये तो ब्रह्मांड नायक के रूप में है, और उन्हें मुझे लेकर के ब्रह्मांड नायक के रूप में उनका परिचय कराना है, और वही कर सकते हैं, वही असुरों का नाश कर सकते हैं। लेकिन फिर भी दशरथ जी को पुत्र का मोह ज़्यादा हुआ, उन्होंने कहा गुरु वशिष्ठ ही इसका कुछ का निदान निकाल सकते हैं। गुरु वशिष्ठ जी के पास जब विश्वामित्र जाते हैं तो गुरु वशिष्ठ जी को भी ये मालूम था कि विश्वामित्र जैसे ऋषि हमारे यहाँ आया है और वो खाली नहीं जाएगा, और इसलिए उन्होंने उनसे बातचीत के बाद विश्वामित्र जी ने के हाथों भगवान राम को सौंपा, राम और लक्ष्मण, कि जाओ आज से आपके गुरु वही होंगे, और जो ये कहें गुरु की बात मानना। और जिस पर भगवान राम ने बाल्यकाल में ये इस आदेश का अक्षरशः पालन किया, और वो वहाँ से चलते हैं विश्वामित्र जी के साथ राम और लक्ष्मण, और जब वो चल करके सरजू तट से पार होते हुए
चिरांत होते हुए, जैसा कि इतिहास में या कुछ हमारे धार्मिक शास्त्रों में उसका कुछ वर्णन भी, अब वो चिरांत का नाम उस समय कुछ और रहा होगा, लेकिन जो इतिहास बताता है जो किस प्रकार से सरजू नदी और गंगा का जहाँ स्वर्ण का मिलन है, तो ऐसा लोग इतिहासकार इसको अलग अलग अपने रूप में देंगे, लेकिन जो वास्तविक स्थिति है वो शायद वो धूमी चिरांत का ही रहा है, ऐसा जो छपरा जिला में आजकल है। और वहाँ आकर के फिर भगवान राम उस समय बक्सर के राम रेखा तट पर आते हैं। आखिर वो राम रेखा तट कैसे नाम पड़ा, उनके आने के बाद ही वो राम रेखा तट भी नाम पड़ा। और जो रामेश्वरनाथ मंदिर है, जो साक्षात भगवान राम ने गंगा स्नान करके और वहाँ मृतिका का जो शिवलिंग स्थापित करके शक्ति ग्रहण किया, और वही भगवान राम के द्वारा पहला स्थापित शंकर का वो रामेश्वरनाथ है। जबकि रामेश्वरनाथ दक्षिण भारत में बाद में हुआ, और उसके भी बाद एक बनारस के बगल में रामेश्वरनाथ जो बहुत कम लोग जानते हैं। तो सचमुच कहा जाए तो रामेश्वरनाथ भगवान राम ने गंगा स्नान करके जो अनुष्ठान किया कि हमें असुरों का नाश करना है, और विश्वामित्र जी ने जो उनको संकल्प दिलाया, तो बक्सर जो ज्ञान की भी भूमि है, विज्ञान की भी भूमि है, कर्म की भूमि है, और साथ साथ बक्सर की जो भूमि है वो विनाशकारी प्रवृत्ति को भी जहाँ शांत करने का वो भूमि रहा है, जहाँ वो बक्सर असुरों को संहार की भी भूमि है, और वहीं अहिल्या को अवतरित करने का भी भूमि वो बक्सर है। पत्थर से अहिल्या का भगवान राम के चरणों से वो स्पर्श होता है धूम, और महिला अधिकार, हाँ, और जिस प्रकार से, तो बक्सर एक ऐसा स्थल हो जाता है जहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम राम अपने पराक्रम को, जो उनका वीर पराक्रम था, शौर्य था, उस शौर्य को निखारने का काम बक्सर में हुआ, और वो विश्वामित्र जी के सानिध्य में हुआ। वहाँ चरित्र वन में जहाँ उनको धनुषवान की का प्रशिक्षण दिया गया, तो सचमुच बक्सर ज्ञान की भूमि, विज्ञान की भूमि, शिक्षा की भूमि, प्रशिक्षण की भूमि, और कार्य कुशलता की भूमि, और उनके हर प्रकार के जो सुशासन की बात करते हैं, तो सचमुच एक नारी को भी न्याय दिया उन्होंने, अहिल्या जैसे माता को अवतरित किया, तो जो संहार की भूमि रहा जहाँ तारकासुर का वध किया उन्होंने, और जब भगवान राम कहते हैं कि मैं नारी का वध कैसे करूँगा, तो विश्वामित्र जी कहते हैं नारी नहीं, ये तो प्रवृत्ति है, ये तो राक्षसी प्रवृत्ति का तुम नाश कर रहे हो, व्यवहार भी दिया, व्यवहार भी दिया, तो जहाँ विचार दिया व्यवहार दिया, ये पूरी तरह से सामंजस्य है। और मुझे लगता है कि ये भूमि सचमुच प्रभु राम का कर्म भूमि के रूप में, ज्ञान भूमि के रूप में, विज्ञान भूमि के रूप में, एक हम कह सकते हैं कि राम को अपने आप के बारे में निखारने का, कि सचमुच तुम राम केवल राम नहीं हो, तुम तो ब्रह्मा का रूप हो, तुम ही इस काम को करने के लिए यहाँ आए हो, ये शिक्षा दिया विश्वामित्र जी ने, और उनको धनुषवान का प्रशिक्षण प्राप्त हुआ, जो कि उन्होंने अपने धनुषवान से तारिक का सुर और मारीच का वध करने का काम कि बक्सर ये केवल राम की भूमि तो रही, और राम पूरे विश्व में ब्रह्मा के रूप में, ब्रह्मांड पूरा ब्रह्मांड जो है वो राम का, जो राम ब्रह्मा के रूप में है, वो वैश्विक रूप में अगर कहा जाए तो बक्सर में उनका उदय हुआ, उनके जन्मभूमि अयोध्या उनका रहा, किंतु उनका कर्म और साधना की भूमि, एक साधक बन करके, एक तपस्वी के रूप में और एक ऋषि के आश्रम में साथ रह करके उन्होंने जो प्रशिक्षण प्राप्त किया, तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जो पराक्रम की भूमि हो रही, निश्चित रूप से पूरे विश्व को, एक हम कह सकते हैं कि पूरे विश्व को शक्ति का, शक्ति के साथ साथ जो मर्यादा के रूप में उन्होंने पालन किया गुरु का आदेश, और जो सुशासन, और जो इस प्रकार की राक्षसी प्रवृत्ति का नाश किया, और एक सुशासन कायम करने में उन्होंने वहाँ सफलता हासिल की, और एक नारी शक्ति का सम्मान, जो नारी शक्ति
विलुप्त हो चुकी थी, उस नारी शक्ति का उदयमान भी। तो बक्सर की भूमि जो है निर्माण की भी भूमि है, संघर्ष की भी भूमि है, संहार की भी भूमि है।